नमस्कार दोस्तों, आज हम शूटिंग करेंगे प्रेसी होले NX 200 नाइट्रो पिस्टन एयर राइफल के साथ, जो कि ये है। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं 8.5 ग्रैंड पैलेट्स डोन शेड फील्ड शूटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं। हमारा टारगेट होगा एक अप्रॉक्सीमेट 15 मीटर्स की दूरी पे, जो कि अगर आप पीछे देख सकते हो तो आपको एक वाइटिश कलर का, एक सफ़ेद कलर का टारगेट जो मैंने रखा है वो भी दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा टारगेट, और सबसे पहले आपको पैलेट दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, डोम शेड्स पैलेट है। इसकी फिटिंग डिसेंट है इफ़ यू आस्क मी। ये जो है जी स्मिथन कंपनी के बनते हैं, लोकली मेड है, लेकिन इट्स वेरी वेरी गुड क्वालिटी। वीडियो चालू करने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ एयरगन्स पे हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। इसका एक रीज़न ये है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, और मैं चाहता हूँ कि मैं एक चैनल के मीडियम से, चैनल के द्वारा मैं मेरा हिंदी बेटर कर सकूँ। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया, मुझे 3 से 4 ईमेल्स आए थे और उसमें सजेशंस थे, तो मैंने आई रोट बैक टू देम, और उसमें मैंने कहा कि आई एम डूइंग माय बेस्ट। मैं सोच रहा हूँ मैं किस तरीके से चैनल बनाओ, वीडियोस बनाओ, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं गोइंग अहेड एगन वाला पे हिंदी में ही वीडियोस बनाऊंगा। प्लीज़ आपके सजेशन शेयर कीजिए। आई नो मेरा हिंदी बहुत ही बुरा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में ही ये चैनल बनाऊँ और वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, चलिए शूटिंग चालू करते हैं। मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ ये अपना 8.5 ग्राम का पहले। ठीक है, ठीक है, और लोड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, इसका फिटिंग काफ़ी डिसेंट है। सेवन शॉट्स करेंगे, 7 to 8 शॉट्स, लेट्स सी, देखते हैं कैसे होता है। तो अब शुरू करते हैं स्लो मोशन में। जैसे कि आपने देखा, फर्स्ट शॉट कुछ नीचे लगा है वाइट पोर्शन को, और धुआं जो देख रहे हो वो बेसिकली इधर का है। सेकंड शॉट उसके ऊपर ही लगा थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे आप देख सकते हो। अब ये रहा थर्ड शॉट। थर्ड शॉट जैसे आपने देखा, फर्स्ट शॉट के बगल में नीचे से, पीछे से जाके इधर को लगा। फोर्थ शॉट ऊपर लगा है सबसे अभी फिलहाल। फिफ्थ शॉट जो है, इससे पूरा टारगेट हिला है, क्योंकि फिफ्थ शॉट पोर्शन को लग के रॉड को लगा है। अब सिक्स शॉट आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सेंटर में लगा है उसके। ये था सेवन शॉट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना। उसमें से कई शॉट्स, मतलब ये जो पीछे ब्रिक रखा था वो रेफरेंस के लिए रखा था मैंने, नो स्पेसिफिक रीज़न, लेकिन पता था कि ऑब्वियसली सिंस वी आर शूटिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 15 meters, 15 मीटर के डिस्टेंस से जो शूट कर रहे थे, तो इट वॉज बट ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि पीछे से भी ये छेद करेगा। देखिए दोस्तों, तो एक रस्टेड मेटल बार है, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये मेटल बार पे मैंने शूटिंग की है, और यहाँ पे भी, मतलब कई जगहों पे जहाँ पे थिकनेस कम हो गया था इस बार का, वहाँ से आर पार चली गई गोली, और कई जगह पे वो अंदर जाके अटकी हुई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस के लिए जो यूज़ करता हूँ सिंगल बार। तो ये रहा था आज का शूटिंग दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो,
तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं जानबूझ के हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी मेरा थोड़ा वीक है और मुझे फॉरगिव कीजिए, क्षमा कीजिए मैं अगर बहुत ग्रामेटिकल एरर्स या मिस्टेक्स गलतियाँ करता हूँ बोलते वक्त, लेकिन मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि ठीक है, ब्लिंकिंग में काफ़ी सारे बंदे इंटरेस्टेड है एयरगन एज अ शूटिंग एज अ स्पोर्ट में भी। मैं एज स्पोर्ट नहीं खेलता हूँ, मैं एज अ हॉबी खेलता हूँ, तो आई थॉट इट्स बेस्ट दैट कि मैं इसे इस चैनल को एक हिंदी में बनाऊँ और हिंदी में बात करने की कोशिश करूँ क्योंकि मुझे हिंदी और अच्छा बोलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बोलता हूँ, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं हिंदी में इस चैनल को बनाऊँ तो इट विल बी मच मोर बेटर। इट्स डिसेंट ऑब्वियसली, अगर आप सजेशंस देते हो तो आई डू माई बेस्ट टू यूज़ देम एंड ऑल्सो डू माई बेस्ट टू शो यू। फिलहाल मेरे पास एक ही गाना है विच इज़ रिसी होले NX200 नाइट्रो पिस्टन। मैं अगर दोस्तों के गन्स लेके आता हूँ तो फिर मैं ज़रूर और वीडियोज़ बनाऊँगा। Okay, until next time, thank you very much.